गाइज वेलकम टू मंजिल। आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा को लेकर एंड कनाडा को लेकर मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कनाडा, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, जो न्यू अपडेट्स आए हैं या जो रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं उनके सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और उन सब बच्चों को साइन करना मत भूलेगा जो ओवरसीज जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर फाइल लगाने की सोच रहे हैं, चाहे वो कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, व्हाटएवर यू वांट, यू नीड, व्हाटएवर यू नीड, यू जस्ट टेक इट फ्रॉम दिस चैनल। सो लेट मी स्टार्ट विद कनाडा स्टडी वीजा। सो वेल गाइस, प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करती हूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप सबसे पहले जो एक चीज है वो ये है, अपने दिल से डाउट निकालो। डाउट निकालना कैसे है कि कई बार ऐसा सोचते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी रिसेशन का पॉइंट आउट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कनाडा जाए या ना जाए, पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहां से बच्चों को वापस भेज रहे हैं, हम इतना पैसा लगाएं या ना लगाएं। सो जो एक हाई क्लास सोसाइटी है, आई एम वेरी डिसअपॉइंट टू प्रनाउंस दिस वर्ड बट दिस इज बीटर रियलिटी, तो उनको इस चीजों की शायद इतनी अहमियत या फिर इतना उनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट एक मिडिल क्लास पर्सन को, एक मिडिल क्लास फैमिली को इसके बारे में सोचना करना सब पड़ता है, बिकॉज वी ऑल नो कि पैसा और समय एक मिडिल क्लास लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर वह भी वेस्ट हो जाए तो क्या होगा। सो वेल, अगर सबसे पहले आपकी ये सोच रहती है कि नहीं मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि कनाडा में ये वो है, तो आपके जो है फाइल वो इंप्रूव वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप फाइल लगाते हो तो आप जो है वो हमेशा काम नेगेटिव ही होता है। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक रिगार्डलेस ऑफ टॉपिक है बट माय ड्यूटी टू टेल यू। सेकंड, जो अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ रहा है कनाडा का, ये भी नहीं है कि अच्छी प्रोफाइल का आ रहा है, गलत प्रोफाइल का आ रहा है। थर्डली, जो न्यू चेंजेस जो इंप्लीमेंट हुए थे वो काफी जगह पे कनाडा वाले इंप्लीमेंट कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज को, एंड जिनको न्यू रूल्स नहीं पता वो ये है कि एसटीएस कैटेगरी चेंज हो चुकी है। एसटीएस कैटेगरी में जो कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो चुकी है कि आपको आईएलटीएस में चाहिए ओवरऑल 6, पीटी में चाहिए 60 एंड टॉफल में चाहिए आपको 83। सो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो टॉफल 83, पीटी 60 एंड आईएलटीएस ओवरऑल 6 जो है एक्सेप्ट कर रही है। आगे चलते हैं और उन बातों को मैं आपको क्लियर कर दूं जिनको मोस्टली जो है कंफ्यूजन रहती है, वो ये है कि शायद हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो कनाडा हमें चांस नहीं देगा। सो आज भी कनाडा में जो फीफो रूल इंप्लीमेंट होता है, एंड व्हाट इज फीफो, फीफो इज फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। सो दिस इज द थिंग, अगर आपकी पहले प्रोफाइल लगी होगी तो ही आपका नंबर पहले आएगा, ये नहीं हो सकता या ये नहीं होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है एक बच्चे की 5:30 वाली प्रोफाइल है उसको होल्ड पे लगा दिया और एक बच्चे की 6 की प्रोफाइल है उसको वीजा दे दिया। हाँ ऑफकोर्स, अगर ये दोनों प्रोफाइल सेम टाइम पे लगती है तो ये चीज का कंपैरिजन हो सकता है कि कौन सी प्रोफाइल चूज करेगा, बट अगर 5.5 बैंड वाले ने अभी अप्लाई कर दिया और 6 बैंड वाले ने आज से 3 महीने बाद अप्लाई कर दिया तो इट डजंट मीन कि 5.5 का जो वीजा नहीं आएगा और 6 का आएगा। सो मेक इट क्लियर, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट रूल, फीफो रूल कनाडा में चलता है। सो आप अपनी प्रोफाइल में अगर सोचते हो कि मेरी प्रोफाइल वैलिड नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। जितनी पहले प्रोफाइल लगाओगे उतनी ज्यादा आपको प्रायोरिटी मिलेगी। कुछ बातें अगर ध्यान में रखनी है तो ये ध्यान में रखो, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि कनाडा जाए या ना जाए, ध्यान में रखो कि आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। जो बच्चे प्लस टू में अभी स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखें कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए कनाडा स्टडी के लिए, और उससे अबव हो तो ज्यादा अच्छा है, तो ये क्राइटेरिया आपके दिमाग में रखो। सेकंड, कोई भी सस्ते कॉलेज में, कोई प्राइवेट कॉलेज में, कोई सस्ते कोर्स में, कोई इररेलेवेंट कोर्स में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या फिर गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना, इससे आपका सक्सेस रेट अच्छा आएगा। सस्ते कॉलेज या फिर सस्ते यूनिवर्सिटी, इररेलेवेंट कोर्स जिसकी कोई मायने नहीं है, कोर्सेज के ए बी सी डी चूज करने से आपकी प्रोफाइल को कोई फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट आपको रिजेक्शन होने के काफी चांसेस है, ये नहीं हो सकता कि आपको उसमें एक्सेप्टेंस मिल जाए। ये बातें ध्यान में रखो, गुड कोर्सेज चूज करो जिसकी कोई वैलिडेशन है, वहां पे स्किल्स है। अब वहां पे बच्चों एम्बेसी या फिर गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स चाहिए विद स्किल्स, ऐसा नहीं चाहिए कि कोई डिप्लोमा करके आ रहा है, कोई ये करके आ रहा है। ऑफकोर्स अगर आप डिग्री में करते हो तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा होता है। जनवरी इंटेक जो है वो ओपन हो चुका है गाइस, बी अलर्ट, ये नहीं है जनवरी इंटेक का मतलब, ये नहीं होता कि जनवरी इंटेक है तो हम 3 महीने पहले लगाएंगे।
सितंबर मिड तक और या फिर एंड तक सारी प्रोफाइल्स चली जाती हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की क्यों ना हो। तो ये सोच के कोई लगाता है अगर कि सितंबर इंटेक में मैं सितंबर में लगाऊंगा जनवरी के लिए, वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि सितंबर इंटेक तक तो फाइल चली जाती है। जनवरी इंटेक का मतलब होता है आपकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट हो रही है, ना कि आपको वहां पे पहुंचना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही डेफल हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की रिजेक्शन आई है, सक्सेस रेट इसी वजह से डाउन होता है। फिर लोग कहते हैं कैनेडा जाना अच्छी बात नहीं है, गलती होती है बच्चों की या एजेंट्स की, और सारा हम दोष लगा देते हैं कनाडा पे। कनाडा को अभी ऐसा नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया आए, इंडिया में यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी में सारे तो नहीं इकट्ठे करूंगी ना, जिनकी कोई जरूरत नहीं है उनको भी नहीं इकट्ठे करूंगी, वाई मैं अपने सिर पे या फिर मेरी यूनिवर्सिटी में लोड लूंगी। इसलिए कनाडा का भी सही प्रोस्पेक्टिव है, वो अगर चेंज हुए हैं तो वो इसलिए हुए कि जो अच्छे जो स्किलफुल पर्सन है वो वहां पे सर्वाइव कर सके, ना कि जिनको इंग्लिश की कम्युनिकेशन भी नहीं आती वो वहां पे जाके उन लोगों को भी क्राउड करें जो ऑलरेडी वहां है। मेक श्योर करो अगर आपको कोई अच्छा एजेंट नहीं मिलता, ट्राई मंजिल इमिग्रेशन, इसकी ब्रांच आपको राजपुर और पटियाला दोनों में मिलेगी। आपको सब क्लियर अच्छी एडवाइस देना हमारा फर्ज है, और आपकी ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्सेस और यूनिवर्सिटी में एडवाइस करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू।